आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? लास्ट क्लास में हमने देखा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि कोई दो पॉइंट चार्ज है तो दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई होता है जो या तो अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है या तो रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा उसमें से एक चार्ज को सोर्स मानते हैं, दूसरे को ऑब्जर्वर मानते हैं और सोर्स ऑब्जर्वर को फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन आप देखोगे अगर हम किसी को धक्का मारना चाहे, फोर्स लगाना चाहे किसी ब्लॉक पे, तो फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है और दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, इसका मीनिंग कोई ना कोई ऐसा एजेंसी है जो क्या कर रहा है, इस फोर्स को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसी एजेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एजेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज सराउंडिंग इट व्हेन एनी अदर चार्ज कम इनसाइड दिस रीजन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेप्ट सोर्स चार्ज। कहने का मीनिंग यह है कि कोई भी चार्ज, एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए क्यू, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक कहां तक चला जाता है, इंफिनिटी तक। इस फील्ड में कोई अदर चार्ज बॉडी अगर आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे सपोज कर दीजिए क्यू वन आए, क्यू टू आए, क्यू थ्री हो, क्यू फोर हो, क्यू फाइव हो, ये सब के सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक्सेप्ट सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन्स जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ये कैसा चार्ज है यहां पे? सोर्स चार्ज। और ये कैसा है? ऑब्जर्वर चार्ज। ए ऑब्जर्वर चार्ज, ए ऑब्जर्वर चार्ज, ए ऑब्जर्वर चार्ज। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज बॉडी सराउंडिंग इट व्हेन एनी अदर चार्ज कम इनसाइड दिस रीजन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेप्ट सोर्स चार्ज, एक्सेप्ट सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि सोर्स चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि सोर्स चार्ज फोर्स अप्लाई करता है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोर्स चार्ज क्या किया, फील्ड को प्रोड्यूस किया और ऑब्जर्वर चार्ज क्या किया, उस फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Strength or
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो आप सब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है जो कोई भी सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है। व्हेन एनी अदर चार्ज कम इनसाइड दिस रीजन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेप्ट सोर्स चार्ज। इसका सेकेंड जो टर्म्स है उसमें आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन पॉइंट। किसी फील्ड पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी इस पूरे रीजन में कोई एक पॉइंट कंसीडर हम करते हैं पी, इस पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखेंगे उसी चीज को। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी, उसी चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन पॉइंट पी, उसी चीज को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गिवन पॉइंट पी। बस समझना है, तो अब हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑन दैट पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं कह रहा हूं उस बात को फिर से सुनिएगा, किसी भी गिवन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू सोर्स चार्ज उसके इक्वल होगा और उस फील्ड का डायरेक्शन उस फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा। मींस सबसे बेसिक बात क्या हुआ पता चला हमें कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे हम एक कैसा चार्ज कंसीडर करेंगे यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिसको क्या बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 और साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या करता है किसी भी फील्ड में किसी पॉइंट पे उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा 1/4 pi epsilon naught ER। यहां पे ये चार्ज क्या हो गया टेस्ट चार्ज। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught ER Q naught by R square। यहां से इसका जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हुआ R square, ठीक है, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। ऑन पॉइंट पी इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें EP इक्वल टू क्या लिखोगे,
तो 1/4πε0ER Q/R2 ए क्यू क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज और क्यूनट को हमने इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि क्यूनट का वैल्यू क्या है 1 है और 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसलिए Q इंटू क्यूनट को क्या लिख दिया गया इक्वल टू हमने क्या लिखा 1/4πε0ER Q/R2 ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज आर क्या है तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट अब अगर हम यहां पे बात करें तो आप लिख सकते हो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यूनट ड्यू टू क्यू तो ये हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखोगे ईपी ईपी इन एयर या वैक्यूम क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर वेयर क्यू क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज और आर क्या है तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार एंड ऑब्जर्वर पॉइंट एंड ऑब्जर्वर पॉइंट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी गिवन पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं।